सभी बच्चों का ई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, जिसकी घोषित हो गई है और 14 अक्टूबर 2023 से परीक्षा। तो मैं आज आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कला वर्ग के छात्र हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 और 12 में लिया है, उनके लिए वेबसाइट बहुत ही लाभदायक है। तो इस वेबसाइट को आप कैसे सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले आप इस वेबसाइट को गूगल में यहाँ पे टाइप करिए, जैसे एक्सप्लोरिंग ई इकोनॉमिक्स .webly.com। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। और इसमें जो भी पाठ्यक्रम या जो भी इसमें उपयोगी जानकारी दी गई है अर्थशास्त्र की, वो 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वेबसाइट में, वो यहाँ पे आप बताया जाएगा। जैसे कक्षा 11 और 12 अर्थशास्त्र विषय की संपूर्ण अध्ययन सामग्री इसमें दी गई है, सरल भाषा में नोट्स भी हैं और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी हैं, और कठिन विषयों में संबोधों को सरलता से समझने के लिए वीडियो की भी सुविधा इसमें दी गई है। साथ में प्रोजेक्ट कार्य के बारे में भी जानकारी दी है। पूर्व वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के सैंपल पेपर भी इसमें उपलब्ध हैं। ई डाउनलोड करना, उसकी जानकारी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इसमें जटिल जो संबोध होते हैं उसे सरल तरीके से प्रश्नों को कैसे ना खेल के माध्यम से इंटरेक्टिव भी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ साथ विद्यार्थी अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं और MCQ प्रत्येक पार्ट के इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ मासिक परीक्षाओं की भी आप तैयारी कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नए संशोधन पाठ्यक्रम है 2023 के अनुसार उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र की जानकारी है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर, नोट्स और वीडियो यहाँ पे दिया गया। मैं अभी आपको एक एक पाठ करके दिखाऊंगा। ये सेमिस्ट्री अर्थशास्त्र हो गया, इसके बाद ये MCQ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लगभग 16 के करीब आएंगे, जिसमें निश्चित उत्तर 8 और बहुविकल्पीय 8 होंगे। इसके साथ कक्षा 11 के भी पूरे इसमें नोट्स, वीडियो और प्रश्न उत्तर दिए हुए सांख्यिकी प्रत्येक पाठ के, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इसका भी यहाँ पे पूरी जानकारी। तो ये इसका इंटरफेस होम, और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ ये मेन्यू है, ये मोबाइल में भी आप थोड़ा अलग ढंग से खुलेगा, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। होम, ये होम पेज था। इसके बाद इकोनॉमिक्स ब्लॉक से भी आप जानकारी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल है जिसमें वीडियोस हैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स के और अन्य प्रकार के वीडियो भी हैं। यहाँ पे ई कॉन्टेंट है 11th इकोनॉमिक्स, ये पूरा यहाँ पे भी दिया हुआ है शॉर्टकट तरीके से, यहाँ से भी आप जा सकते हैं पेज पे। ऐसी 12th क्लास का दे रखा है, ये पूरे पार्ट हैं, ऐसी यहाँ पे भी सारी जानकारी है। इस प्रकार बोर्ड पेपर 2023 का यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया गया है जो आया था 2023 का, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका सॉल्व पूरा दिया हुआ है कि कैसे पेपर को आप सॉल्व करना है, और इससे आपको आगामी परीक्षा की तैयारी करने हेतु काफी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद हाफ ईयरली पेपर जो आया था इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का, वो भी इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार का पहले जो पुराना पैटर्न था उसका यहाँ पे प्रारूप है, ये पुराना पैटर्न था, अब थोड़ा चेंज आएगा। और इस प्रकार 12th का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुराना पैटर्न, अब ये भी थोड़ा चेंज आएगा। तो इसमें ये दिया हुआ है, इसके साथ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोजेक्ट के सिलेबस कैसा है, परियोजना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, सैंपल क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज इंफॉर्मेशन दी है, सारे फॉर्मेट हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।
इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके बाद ये एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12th क्लास के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे पार्ट जितने सबके एमसीक्यू हैं यहाँ पर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, आप प्रत्येक पार्ट से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहला देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार खुलेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे पहला पार्ट है विशिष्ट अर्थशास्त्र का परिचय, जैसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आप कोई भी नाम डालिए, कोई भी स्कूल का नाम डाल के आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट जैसे ये आ रखे परसेंट, आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म किसे माना जाता है, जैसे एडम स्मिथ आ गया, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किसमें किया जाता है, विशिष्ट अर्थशास्त्र। इस प्रकार आप पूरा प्रश्न करने के बाद अंत में जाकर आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पे आखिरी में मार्क्स यहाँ पे आपके दिखाई देगा कि और कितने मार्क्स आपके आए हैं। आप उसकी बार बार तैयारी भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रत्येक पार्ट का आप बड़े रोचक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको नोट्स यहाँ से उतारने, क्वेश्चन आंसर आपको उतारने, अगर आपके विद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं है तो आपके लिए और भी लाभदायक ये वेबसाइट होने वाली है। तो जैसे पहला उदाहरण मैं देख लेता हूँ, विशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसे आप इसे क्लिक करेंगे तो विशिष्ट अर्थशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है नोट्स के माध्यम से। ये आपके वीडियोज हैं पार्ट को समझने के लिए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है इसका वीडियो आप देख सकते हैं, अर्थशास्त्र आर्थिक समस्या क्या है उसके बारे में की नोट्स दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यहाँ पे सारे दे रखे हैं। आप इनको आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ निश्चित तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निश्चित तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक तथा बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना है, तो आप उनका यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसके साथ विस्तृत प्रश्नोत्तरी भी यहाँ पे दी हुई है और उनकी परिभाषा भी यहाँ पे दे रखी है, और ये काफी शॉर्ट में और कई किताबों से जानकारी लेकर तब यहाँ पे उनको एडिट करके यहाँ पर संशोधित करके रखा गया है, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर याद करने में आसानी हो। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के आने की संभावना अधिक होती है या बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। देखिए आप इसमें बीच बीच में वीडियोज भी हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, उसका वीडियो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट में आप यहाँ पे अपना टेक टेस्ट भी दे सकते हैं, असेसमेंट भी आप कर सकते हैं कि आपने पूरा पार्ट का अध्ययन किया, उसके बाद आपको पार्ट कितना समझ में आया, तो ये दे रखा है यहाँ पे, इसे आप भरेंगे, उसके बाद ये पर्सन यहाँ पे दिए हुए, तो आप इनको करेंगे लास्ट तक, तो यहाँ पे आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसको आप और एक्सप्लोर करिए, तो आपको इस प्रत्येक पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ पे प्राप्त होंगी। जैसे इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ है सरकारी कार्य क्षेत्र और सरकारी कार्य तथा विशेष क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, फिर निश्चित अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर विस्तृत है यहाँ पर, और कुछ एक्टिविटीज भी यहाँ पे होंगी, जैसे ये देखिए ये एक्टिविटीज है, आप यहाँ पे रोचक तरीके से इन एक्टिविटी को करेंगे तो आपको पर्सन के उत्तर अच्छी तरह से याद होंगे। जैसे ये एक्टिविटी है, आप पर्सन के उत्तर यहाँ से आपको वर्ड्स को ड्रैग करना है, जैसे मैं कोई वर्ड यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि ये मेरे पर्सन के उत्तर सही है गलत, जैसे चेक किया तो एक मेरा सही था, तीन गलत थे,
तो इसका अगर उत्तर आपको देखना है यहाँ पे सोर्स सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपको यहाँ उत्तर आएगा, यहाँ पे प्रगतिशील कर आना था, यहाँ अप्रत्यक्ष कर, यहाँ कर वंचन आना था। तो इस प्रकार एक्टिविटीज भी इसमें बीच बीच में दी गई है और असेसमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लोरिंग ई इकोनॉमिक्स वेबसाइट को आप मोबाइल में कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में इसको अगर आप ओपन करेंगे तो अलग से ये दिखाई देगा, क्योंकि इसका इंटरफेस मोबाइल में थोड़ा अलग होता है। तो इसके लिए आपको गूगल में एड्रेस डालना है वेबसाइट का और ये ओपन हो जाएगी। मैंने इसे पहले से ओपन कर रखा है, आप देखेंगे ये यहाँ पे ओपन आ रखा है, ये वेबसाइट है। आप देखेंगे ऊपर से नीचे ये पूरी वेबसाइट के बारे में, तो मोबाइल में वेबसाइट इस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे विस्टियर्साज दिया हुआ है, इसके सारे पार्ट दे रखे हैं, प्रत्येक पार्ट के पर्सन के उत्तर, नोट्स तथा वीडियो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे सेमेस्टियर्साज का बारे में जानकारी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि MCQ जो इम्पोर्टेंट हैं अर्थशास्त्र के प्रत्येक पार्ट के, वो इसमें दिए हुए हैं। आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद कक्षा 11 का अर्थशास्त्र सांख्यिकी दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के पूरे पाठ यहाँ पे दिए हुए, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये जो तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा 2023 का सॉल्व पेपर देखना है, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको ये अर्थशास्त्र का बोर्ड का पेपर यहाँ पर दिखाई देगा और इसका सारा सोल्यूशन आपको इसके नीचे दिखाई देगा। ये सोल्यूशन है, आप इसको इस पर क्लिक करके इसे बड़ा करके भी आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें MCQ हैं कक्षा 12 के, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक पार्ट के MCQ दिए हुए, जो कि जो नया सिलेबस बना है साथ, उसमें MCQ इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अब 16% आते हैं तो प्रत्येक पार्ट के दिए हुए। जैसे पहला आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मोबाइल में इस प्रकार दिखाया जाएगा। आर्ट्स, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी, जैसे कुछ भी नाम लिख रहा है, स्कूल का नाम या डिस्ट्रिक्ट कुछ भी डालें और उसके बाद स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। इस प्रकार आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे तो ये इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक पार्ट के MCQ देवे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आप होम पे जाइए और होम पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मैंने बताया। और यहाँ पे अगर आपको नोट्स और प्रश्न पत्र और वीडियो देखने हैं प्रत्येक पार्ट के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोट्स हैं, जैसे मैं पहला क्लिक करता हूँ विस्टी अर्थशास्त्र, तो आप देख रहे हैं मोबाइल में इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वीडियोज़ हैं इस पार्ट से संबंधित, यहाँ पे इसके बारे में महत्वपूर्ण बारे बता रखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यहाँ पे दी हुई है और उसके बाद निश्चित तथा अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे विस्तृत प्रश्न उत्तर यहाँ पे दी हुई है और ये सारे इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं और आप इनको कॉपी में उतार सकते हैं। और कोई संबोध अगर समझ में नहीं आ रहा तो उससे संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये पूरे प्रश्न करने के बाद आप लास्ट में जाकर अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं, स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक टेस्ट में जाकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म खुलेगा उसमें आप देख रहे हैं ये फॉर्म खुल रहा है, यहाँ पर आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये था मोबाइल के माध्यम से कैसे आप वेबसाइट को खोलें। एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी एड्रेस लिखने में दिक्कत आती है तो आप क्या करें, यहाँ पे गूगल में प्रदीप नेगी इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं और यहाँ एड्रेस आ जाता है वेबसाइट का, exploringeeconomics.weebly.com। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस प्रकार। यहाँ अगर अलग ढंग से दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर तीन ये लाइनें हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आप पहले पेज में आ जाएंगे इसके वेबसाइट के। तो यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, कोई भी पार्ट्स के नोट्स वीडियो देखना चाहें, आप यहाँ से देख सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने आज ई एक्सप्लोरिंग ई इकोनॉमिक्स
जो वेबसाइट है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, और आप इसका अगर बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप अर्धवार्षिक तथा बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इस वेबसाइट में अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। तो आगामी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद।